लाइटें नजर आ रही हैं जी उसको लेकर आपको नजर आ रही हैं आपसे आपसे पूछ तो भैया लाल वाले भैया लाइट साहब लाइट साहब हेलो बढ़ा दिए और राय साहब टाइम अरे हटो 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 अरे हटो निकल उड़ा ले. Well, the cross fire is on. The terrorists have taken over a building within this complex, and of course we are going to launch an operation. This is an act of terrorism against Pakistan, as it was being speculated, and also the Taliban's and al-Qaida had announced earlier that they will attack Pakistan's major installations and of course the armed forces, and they have done this first act, and that's what I say. Pakistan is on war. Pakistan is suffering. Pakistan is a victim, and inshallah we have the courage, we have the resolve to fight, and we will keep on fighting till the demise of these terrorists. तो हम समझते हैं कि जब नेवल एरिया के अंदर जब दहशतगर्द घुस सकते हैं तो फिर शहर कराची फिर हमारा किस तरीके से महफूज है. कराची का जो शहरी है बिला तंग हो चुका है, बिल्कुल महफूज नहीं है, परेशान हो चुका है. तो हम तो यही चाहते हैं कि कराची के अंदर बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, और अगर ये कोई भी अगर कोई बैरूनी मुल्क तकरीबकारी है तो इस तकरीबकारी को हम चाहते हैं कि भरपूर तौर पे हम अपने पूरे पाकिस्तान से, अपने पूरी दुनिया से, मुसलमानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए. और हमें मिलकर जो है इसका मुकाबला करना चाहिए. और जो तालिबान है, अलकायदा है, बाहर की जो दूसरी हमारे मुखालिफ ममालिक हैं, उनके खिलाफ हमें जो है ना पुरजोर एहतजाज करना चाहिए. और भी हमारे जो दीगर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसियाँ चेंज करनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क के मुफाद में हो. और इस तरह का जो सानिया जो है ना बहुत बड़ा जो है हमारे लिए अलमनाक है, उसके ऊपर जो है हमें बहुत अफसोस है.